हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और इस नए साल पर सबसे हटके वीडियो होने वाली है और वो वीडियो कैसी है आप सभी के काम आने वाली है, आप सभी को मजा आने वाला है, आप सभी को गुस्सा आने वाला है, आप सभी को प्यार आने वाला है। मतलब कि आप लोगों ने एक रील देखी होगी, कोई एक ऐसी लाइन बताओ जिससे मुझे गुस्सा भी आए, नफरत भी आए, प्यार भी आए। तो इस तरीके की ये वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पर आपको गुस्सा भी आएगा, नफरत भी होगी, बट रियलिटी में कोई भी चीज हवा में नहीं होगी। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सारी की सारी चीजें रियलिटी में डिस्कस होंगी। यहाँ पर आपको एट द एंड लगेगा कि ये वीडियो सीरियसली मेरे लिए ही बनी है और मैं इस वीडियो के काबिल हूँ। और आप लोगों को अब उसके अकॉर्डिंग चेंज होना या ना होना वो आप पर डिपेंडेंट है। बट इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने ये सोच लिया कि मैं तो इस वीडियो पर पूरी तरीके से अमल करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की बिना वक्त जाया किए हुए। बट अभी से ही ना इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके भी और आपके दोस्तों के भी काम आनी चाहिए। तो सीधा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी हम स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट वाले लोग आएंगे। मोस्टली यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन बाइंग वाले लोग। बट आप चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम किया है और अगर आपने लॉस किया है और आपके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उन लॉसेस को हमें रिकवर कैसे करना है? सिंपल से तीन माइंडसेट लेके चलूंगा और आई एम श्योर कि आप इन तीनों में से कोई ना कोई एक पर्सन होने वाले होंगे। हालांकि आप तीनों स्टेजेस से निकलेंगे जरूर, बट आपके ये तीनों स्टेजेस काम में आने वाली हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और किस तरीके से हम उन तीनों स्टेजेस पर सिर्फ तीन चीजों से अपने पूरे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने प्रॉपरली इन चीजों को फॉलो कर लिया तो आपका ऑप्शन बाइंग का जितना भी लॉस हुआ है, चाहे लाखों का हुआ है, देखो जितना बड़ा लॉस है उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब मान लो कि 3-4 लाख का लॉस है, ठीक है, हमने 3-4 सालों में कवर कर लेंगे। बट अगर हमारा लॉस है काफी बड़ा, लाइक 20 लाख, 50 लाख, तो उसे उतना ही टाइम लगेगा, बट इट्स ओके, बट वो कवर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं वैसे ऑप्शन बाइंग के ऊपर स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑप्शन बाइंग को ही माइंड में लेके चलते हैं। हाँ, बट अगर आप ऑप्शन बाइंग नहीं करते तो आप अपने तरीके से उसको स्टॉक मार्केट के साथ एज्यूम करके चलिएगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर लॉसेस से मतलब है। बट ऑप्शन बाइंग का मुद्दा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हर कोई पर्सन ऑप्शन बाइंग में ही लॉस करके बैठा है काफी ज्यादा, और वो एक छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। हर पर्सन के अकॉर्डिंग, देखो अमाउंट हर पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी होती है कि उसके अंदर लॉस लेने की कितनी ज्यादा कैपेसिटी है। तो पर्सन टू पर्सन, अगर हम छोटे से पर्सन की बात करते हैं तो उसे भी काफी मेजर लॉस हुए पड़े हैं, और अगर हम बड़े पर्सन की बात करते हैं तो उसे तो पता ही नहीं कितने बड़े लॉस हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर चाहे ऑप्शन बाइंग में लॉस हो, ऑप्शन सेलिंग में लॉस हो, या फिर कहीं पर भी लॉस हो स्टॉक मार्केट में, तो आपका सारा लॉस कैसे रिकवर होगा? तो सिंपल सा एक सोल्यूशन बताऊं, ऑप्शन बाइंग छोड़ दो। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने, ऑप्शन बाइंग छोड़ देंगे तो लॉस कैसे रिकवर होगा, हमें तो लॉस भी तो रिकवर करना है। चलो रिकवरी प्रोसेस की भी बात करेंगे, वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ना मैं सबसे पहले तीन माइंडसेट लेके बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो सके। सबसे पहला माइंडसेट हम लेके चलते हैं जो आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा फेमस है। गेस किसके माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये माइंडसेट मैंने रिसेंटली ऐड किया जब मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी टेलीग्राम पर, और उस बंदे ने मुझसे जब वो चीज बोली तो मैंने उसको बोल दिया था, भाई तू जा, मैं तुझे नहीं ऐड कर सकता हमारे प्रीमियम ग्रुप में, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स की कोई एंट्री नहीं है। तो ऑब्वियसली वो पहला माइंडसेट होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स का, जहां पर हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि स्टूडेंट सीधा आता है पैसे बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में, और वहां पर सबसे मेजर प्रॉब्लम, भाई अब गुस्से वाली बात सुन लो, किसका पैसा है? आप खुद बना रहे हो क्या पैसा जो लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में? अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, ऑप्शन बाइंग में लगाना है, तो अपना पैसा बनाओ ना, अपने पेरेंट्स का क्यों लगा रहे हो? आप लोग बोलोगे कि आपको क्या फर्क पड़ता है, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, आपका पैसा है, आपके पेरेंट्स का पैसा है, आपके काम आएगा, जहां मर्जी लगाओ, मेरा क्या जा रहा है? बट एज ए वेल विशर, क्योंकि मुझे ही पता है कि स्टॉक मार्केट में लोग क्या क्या करते हैं और उन्हें कितने बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी इन चीजों को चेंज करते हो या नहीं करते हो,
बट मेरा मोटो था समझाना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बाद आप जैसा चाहो वैसा करो, वो आपकी दिक्कत है। मेरा यहाँ पर मोटो था क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ना आज के टाइम पर स्टूडेंट्स को होने वाली है, सिंपली क्योंकि जो लोग परसेंट कमा रहा है वो गवा रहा है, वो अपना गवा रहा है, उसे इतनी मेजर दिक्कत नहीं है। बट वही आपकी दिक्कत सबसे ज्यादा है, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर कल को घर वालों ने पूछ लिया भाई हमारे पैसे कहाँ है तो क्या जवाब दोगे, आपने तो उनके पैसे ही गवा दिए, ऐसे नहीं चलता। तो ना यहाँ पर सिंपल सा ही माइंडसेट मैं स्टूडेंट का लेके चला हूँ इसी बात की वजह से कि यहाँ पर अभी आपकी एज नहीं हुई है कि आप स्टॉक मार्केट में काम करो। ऑप्शन बाइंग में तो आपकी मतलब ही नहीं है, आई नो कि ऑप्शन बाइंग में छोटी सी अमाउंट लगती है, आप इतना अरेंज कर लेते हो, लेकिन उस अरेंजमेंट के चक्कर में आप इतना ज्यादा घुस जाते हो और कहीं कहीं से पैसे इकट्ठे करते रहते हो, दोस्तों से मांगते हो, घर वालों से झूठ बोलते हो, या फिर लोन्स लेने शुरू कर देते हो। भाई आपका सबसे बड़ा दिक्कत है आपका करियर खत्म होना, आपका करियर बिगड़ गया ना तो लाइफ में आने वाले टाइम में आप क्या करोगे, लाइफ में आने वाले टाइम में हर कोई कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बट जो आपको बनना है, आपके ड्रीम्स हैं, वो स्टॉक मार्केट अभी पूरे नहीं कर सकती। स्टॉक मार्केट कोई बच्चों के दूध पीने वाली चीज नहीं है कि आराम से गर्म किया और पी लिया और हमें मजा आ गया। इसे जहां पर टाइम देना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है और हमारे रूल्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हम 2-3 सालों तक क्लोज करके फिर पैसा बनाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट खुद अपनी फीस चार्ज करता है। आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, क्योंकि आजकल तो स्कूल वाले बच्चे भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। अरे भाई 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक वाले ऑप्शन बाइंग करने पर आ रहे हैं। अब ऐसे में उन लोगों को जहां पर सिर्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए, जहां पर उनके खेलने कूदने की उम्र है, वो बंदे आकर जहां पर पैसे के लालच में इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को होने वाली है, आपका करियर तो खत्म हो ही रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत। चलो करियर तो जैसे मर्जी किसी ना किसी तरीके से बन जाएगा, बट अगर एक बार ये बिगड़ गई ना आपकी लाइफ में, कोई चीज किसी भी काम की नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी परेशानी इससे पता है किसको होने वाली है, आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत से आपको इतने बड़े किया है, और वो क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्टार्टिंग में डिप्रेशन में चला जाए। पहले के बच्चे होते थे लव शव पढ़ता था और वहां पर डिप्रेशन में चले जाते थे, आजकल के यहाँ ऑप्शन बाइंग में पढ़ के डिप्रेशन में जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट ना सबको छुड़वा देगी एक ही बार में, रियलिटी बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ना जितने भी हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं ना, कृपया करके प्लीज ऑप्शन बाइंग छोड़ दो। बट हाँ देखो आप लोग छोड़ो या ना छोड़ो वो आपकी दिक्कत है, मेरा मोटो ना बताना, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हुआ है, उस लॉस की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, किस तरीके से होगा वो हम डिस्कशन करेंगे आगे। बट पहले तीनों माइंडसेट को समझने के बाद, पहला माइंडसेट आप लोगों का था एज ए स्टूडेंट मैंने डिस्कशन करी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। लाइफ में ना करियर इम्पोर्टेंट है ना एज इम्पोर्टेंट है, अगर हमारी हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो जितना मर्जी करियर बना लो, जितना मर्जी हम जवान हो बूढ़े हो, हेल्थ बिगड़ गई ना तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है, इतना हमेशा समझ के काम करना, क्योंकि जब हम मेंटली प्रेशर लेते हैं, मेंटली हमारे माइंड में अप्स एंड डाउन चलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। आप लोग करते होंगे, आपको पता होगा कि जब भी आप कोई भी पोजिशन लेते हैं तो आपका दिल कैसे धड़क धड़क करता होगा। अरे भाई मत करो, अभी आपकी एज नहीं है, इसलिए कृपा करके समझा करो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की तो मैंने जो मेन बात करनी थी ना, इतना करनी थी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, कृपा करके आप लोग जा सकते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है अपनी ऑप्शन बाइंग बंद करो, अपनी स्टॉक मार्केट बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हुआ हुआ है, रिकवर करने का प्रोसेस बताएंगे और क्या चीज आपको करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट जो आपको लाइफ लॉन्ग में काम आएगी, वो चीज भी मैं डिस्कस करूंगा। बट वेट, अभी हम दूसरे माइंडसेट की बात करते हैं। बट हाँ आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, जितने भी आप लोग स्टूडेंट होने वाले हो, अगर आप लोग चाहोगे तो वो प्रॉमिस ये होने वाला है कि जैसे कि मैंने उस स्टूडेंट से बात करी, जब उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ मुझे ऐड कर दो, तो मैंने उसे सिंपल सी बात बोली, भाई साहब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, आपको कुछ नहीं करना भी, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, आप खुद कमाने लग जाओ, तब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा। तो वो मेरा प्रॉमिस हर स्टूडेंट से है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए अपने करियर पर ध्यान देते हो और कल को चाहे जॉब करो चाहे अपना बिजनेस करो खुद कमाना शुरू कर देते, तो आप लोगों की फ्री में एंट्री मैं अपने ग्रुप में कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
बट एनीवे, अगर अब हम दूसरे माइंडसेट की बात करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर माइंडसेट ही तीन होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तीन माइंडसेट की बात करने वाले हैं, और दूसरा जो माइंडसेट है ना, वो तो बड़े कमाल के है भाई, उनके बारे में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब वो क्या चीज है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वो है हमारे आम पर्सन, जैसे कि मैं हो गया, जो हम काम करने वाले लोग हैं। तो जो जो दूसरे लोग हैं ना, हमारे काम करने वाले, इनकी बात करते हैं। अब इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये भी एक बार मेरे साथ एक क्लाइंट मुझसे मिलने आया था, पर वो ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा था, तो हमने वहां पर एक सोल्यूशन निकाला था उसकी बात का। तो वहां पर उसी चीज से ना मैंने मोटिवेट होकर, क्योंकि मुझे लगा कि इस चीज की जरूरत है, तो ये वीडियो बन रही है। तो उसी वजह से, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों की है, हम काम भी कर रहे हैं, हमें स्टॉक मार्केट भी करनी है, हमें ऑप्शन बाइंग भी करनी है, हमें पैसा उधर से भी बनाना है, इधर से भी बनाना है, हमें तो हर जगह से पैसा बनाना है। अरे पैसे के पीछे कितना पागल है हम लोग, क्या हमें दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही क्या, जब हमारे अरमान इतने बड़े बड़े हैं। अगर हमारे अरमान इतने बड़े बड़े हैं, तो क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है क्या जो हमें पैसा बना के देगी? अरे भाई, जो ये रील चल रही है ना कि ट्रेडिंग में तो इतना पैसा है, पैसा बहुत है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बट वो कोई बना नहीं सकता। उसे बनाने के लिए दम चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपके इतने स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, तब जाकर वो पैसा बनेगा। लोगों को वो पैसा बनाने के लिए ना कई कई रातों का वेट करना पड़ जाता है, और वो रात कितनी लंबी होती है, कितने सालों तक चलती है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। और आप लोग जस्ट उन पर्सन की रील देख के, अरे वाह भाई क्या बात है, हम भी बनाएंगे। बना लो भाई फिर, अब आप बना रहे हो या गवा रहे हो, वो आपका अपना पीएल बता रहा है। मैं जहां पर बातें सीरियसली इतनी कड़वी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग मुझे गालियां दोगे, बट ये वीडियो ही ऐसी है, मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेगी, जहां पर आपके अंदर के हर पेच हर स्क्रू को खोलना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, ताकि आपके माइंड में हर चीज एंटर हो सके। अब मैंने ऐसी बात क्यों करी है, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, जहां पर जितने भी हम ना काम करने वाले हैं बंदे, जहां पर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, हम हमारा जो भी काम करते हैं, देखो हर कोई अपना अपना काम करता है, चाहे कोई भी काम करता है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। जिसका काफी बड़ा है, उसे तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, वो तो आराम से अपना म्यूचुअल फंड में जाकर बैठा हुआ है, उसे पंगे लेनी नहीं है, क्योंकि वो बड़ा इसलिए है क्योंकि वो अपना सिर्फ काम पर ध्यान दे रहा है, उसे जहां पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जब अपने काम पर फोकस कर रहा है, तो उसका काम ग्रो कर रहा है, तो वहां पर अगर उसका काम ग्रो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है। और जो उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसने म्यूचुअल फंड में डाल रखी, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है, तो उसे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि वो तीनों जगह पर जाकर सही हो चुका है। अब रही बात हमारी, जो हम छोटे मोटे लोग हैं या फिर ठीक ठाक लोग हैं, वहां पर जब हमें काम करना है, हम हमारा काम के टाइम पे स्टॉक मार्केट, क्योंकि खुलती कब है, 9 से 3:30, और 9 से 3:30 मोस्टली हमारा काम चलता है, हम दुकानदार हैं, हमें उस टाइम पे दुकानदारी करनी है, हम जॉब कर रहे हैं तो हमें उस टाइम पे जॉब पे जाना है, हम हमारा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उस टाइम क्लाइंट से मिलना है, मीटिंग्स करनी है, और ऐसे में हम वहां पर ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं, कोई बीएनएफ को शोर करके बैठा हुआ है, कोई बीएनएफ को खरीद के बैठा हुआ है, अभी बढ़ेगी बढ़ेगी, और वहां पर मीटिंग चल रही है, और हमारा यहाँ पर ध्यान उधर जा रहा है, क्या होगा? अरे भाई 20 लोट है, लग जाएगी हमारी तो लंका लगेगी भाई। अब आप वहां पर खुद सोचो, आपकी मीटिंग चल रही है, और ऐसा हुआ है मेरे काफी दोस्तों के साथ जो जॉब कर रहे हैं, और जब उनसे कई बार बात होती है, यार मेरी तो मीटिंग चल रही थी और उधर से मेरी पोजीशन थी, मेरी तो लग गई लंका, मेरा तो ध्यान ही नहीं था मीटिंग में। अगर आपका ध्यान नहीं, तो आपकी प्रमोशन कैसे होगी, आपको तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अगर किसी ने पता लग गया भाई ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, आप जॉब पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और आपका करियर भी खत्म हो जाएगा, फिर कहां से आप ऑप्शन बाइंग में पैसा लगाओगे? एनीवे, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका ऑफिस टाइम चल रहा है, आपका दुकानदारी का टाइम चल रहा है, तो ना बस उसी पर ध्यान दो भाई, पैसा बन जाएगा, लॉस हुआ है रिकवर हो जाएगा, एंड में डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये चीज है ना, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग का मतलब ही नहीं है, करनी ही क्यों है भाई, जब आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, तो आप उसको ग्रो करने की सोचो, उसको ग्रो कैसे करोगे, जब आप ऑप्शन बाइंग को माइंड से निकालोगे। देखो, जब हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं ना, ऑप्शन बाइंग भी, और वहां पर चाहे जहां पर ऑप्शन बाइंग बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सिंपली नॉर्मली ट्रेडिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आप लोगों ने सुना होगा, ये पानी है, ठीक है ना, और यहाँ पर दो नाव चल रही है,
अब आप दोनों नाभों में एक पैर इधर रख लो, एक पैर इधर रख लो। अब चलो, अब दोनों बोट तैर रही है पानी में। अब बताओ आपका क्या असर होगा? समझदार हो आप लोग, किसी साइड के नहीं रहोगे, डूब जाओगे। बस वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करो। वरना ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहां पर प्रॉफिट नहीं करोगे, करोगे, लेकिन एक दिन प्रॉफिट कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, चौथे दिन, चलो चौथे दिन भी कर लिया, 5वें दिन से सारा का सारा तो जीरो हो गई होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो गया। कहा फिर कर लो, क्या करोगे? रियलिटी है, मैं नहीं बोल रहा, फिगर्स की बात है। आप लोग खुद बता दो क्या सच्चा है क्या झूठ है। हम सभी को ना सब मालूम है यहाँ पर कि किसके साथ क्या क्या हो रहा है। मैं खुद को, अरे भाई मैं कौन सा भगवान हूँ, मुझे भी लॉस होता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं अपने रूल्स पर काफी ज्यादा कंट्रोल करता हूँ। जो रूल्स की बात हम फाइनल में बात करेंगे, क्योंकि वो चीजें भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो रिकवरी के प्रोसेस होंगे वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग को छोड़कर ही नहीं होगी, जिन्होंने ऑप्शन बाइंग करनी है उनके लिए भी वो प्रोसेस होने वाले हैं। अगर आपको करनी ही करनी है तो वहां पर हमें क्या रूल्स अपनाने चाहिए, वहां पर हमें किन चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आई नो सबको मालूम होगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो शायद आपको सीरियसली आपकी लाइफ बदल दे, ये वीडियो ऐसी ही होने वाली है जहां पर आपको प्यार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, नफरत भी होगी। बट सीरियसली कह रहा हूँ, जितने भी हम काम करने वाले भाई बंधु है ना, हाथ जोड़कर बेनती है, या तो अपने काम पर ध्यान दे लो, या फिर ऑप्शन बाइंग पर ध्यान दे लो, चाहे ट्रेडिंग पर ध्यान दे लो, एक चीज पर चले जाओ, एक बोर्ड पर पैर रख लो, वरना किसी साइड के नहीं रहोगे। और अगर आपने बाई चांस यहाँ पर गलत बोर्ड चूज कर ली ना, मतलब कि सीधा ऑप्शन बाइंग की बात कर ली, या फिर आपने सीधा ट्रेडिंग की बात सुन ली, और जहां पर आपने अपनी प्राइमरी इनकम सोर्स को मार दिया, तो लाइफ आपको ऐसा धक्का देगी जो वहां पर आपकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लोग कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, अरे भाई रिस्क भी उतना लिया जाता है जितनी हमारे में कैपेसिटी हो। हमारे में कैपेसिटी तो 2 रोटी खाने की, आप 5 रोटी खाकर दिखा दो। हमारे में कैपेसिटी तो स्विफ्ट गाड़ी लेने की, आप i20 लेके दिखा दो, कर लो, कहाँ से करोगे पैसा। हमारे में तो कैपेसिटी 1 BHK लेने की, आप 3 BHK लेके दिखा दो। हमारे में तो हनीमून गोवा जाने का था, आप पेरिस हनीमून बना के दिखा दो, बना लोगे। रिस्क फट गया, अब आप उसके बाद उसको कैसे मैनेज करोगे, कितना टाइम लगेगा उस पैसे को रिकवर करने के लिए। आपने इतना सारा पैसा वहां पे खर्च कर दिया, पहली बात तो कहाँ से लाओगे, और ले आए तो उसको रिकवर कैसे करोगे। मैं चीजें जहां पर हवा में नहीं कर रहा हूँ, और आप ये बातें समझ रहे हो, मैं जहां पर चीजें सीरियसली फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ और फिगर्स के साथ भी बता दूंगा। बट आई होप कि आप लोगों का भी यहाँ पर माइंडसेट, जितने भी हमारे ये लोग हैं, क्योंकि मेनली जहाँ पर स्टूडेंट्स थे या फिर काम करने वाले थे, जो वहां पर हमने दोनों के माइंडसेट की बात करी है, आप अपने बिजनेस, आप अपने काम, आप अपनी दुकानदारी, आप अपनी जॉब पर ध्यान दे लो, लॉसेस की बात है रिकवर कर लेंगे, कैसे करेंगे वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब थर्ड पॉइंट, अरे वाह वाह वाह, ये है असली पर्सन, तो इन्हें दुनियादारी से मतलब ही नहीं है भाई साहब, असली बंदे हैं ये है हमारे फुल टाइम ट्रेडर। अब इनकी तो क्या ही बात करें जनाब। रियलिटी में ना, अगर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग वगैरह या कुछ भी करना है, तो इनका हक है भाई करने का, स्टूडेंट्स का कोई हक नहीं है। काम करने वालों का भाई, आप काम क्यों कर रहे हो फिर, आप उसको छोड़ दो, फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। लेकिन हालत इनकी भी वैसी है जैसी हमारी है, ये भी भाई साहब लगे पड़े हैं, टेंशन में आए पड़े हैं, रोज यहाँ पर माइंड फुल हो जाते हैं, रात को दारू के ठेके पे चले जाते हैं। हाँ भाई, आज तो खुशी में पियेंगे या गम में पियेंगे, तो वहां पर तो 2 दिन तो ब्लेंडर प्राइड पियेंगे खुश होकर, और तीसरे दिन आ जाएंगे रॉयल स्टैग पे, भाई आज तो RSE पिला दे, आज का दिन तो बहुत बुरा गया और हमारा सब कुछ गया, अब तो RS के भी पैसे बचे हैं या नहीं बचे वो भी नहीं मालूम है। तो ऐसे में इन लोगों की है असली बहादुरी, क्योंकि ये पर्सन ना तो कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें मतलब ही सिर्फ स्टॉक मार्केट से। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हो, क्योंकि आपका एटलीस्ट ध्यान तो एक जगह पर है, आपके दोनों पैर तो एक जगह पर है, आप दोनों पैर एक नाव पर तो लेके जा रहे हो, एक बोट में तो जा रहे हो, कम से कम डूबोगे तो नहीं। आप अगर अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो मैं गारंटी से लिख के कह सकता हूँ कि आप लोग सीरियसली कामयाब ट्रेडर हो भाई, अगर आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो। रूल्स हर किसी के अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, बट अगर आप फॉलो कर रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि जितने नए लोग आए हैं ना, जो जो नए लोग आ रहे हैं और फुल टाइम ट्रेडर बनने की बातें करते रहते हैं, जैसा कि रील्स में दिखाया जाता है, ये रील्स ने ना इतना दिमाग खराब कर रखा है ना सबका, भाई साहब ट्रेडिंग ही सब कुछ है, ट्रेडिंग ही भगवान है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब रियल में करनी पड़ती है तब पता लगता है। मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं, एक बार मैं सेंसेक्स के कैरी करके ले गया 50 लॉट CE के,
मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सारी रात डाउट देखता रहा और बस ये प्रे करता रहा कि बस बाय चांस कोस्ट टू कोस्ट पर खुल जाए, मेरी तो लंका लग जाएगी। उसके बाद कानों को हाथ लगा लिया था कि कभी कैरी नहीं करके जाऊंगा ओपोजिशन। एक भी लोट उसके बाद आज तक कभी किसी भी चीज का कैरी नहीं किया, मतलब ही नहीं है। जितना मर्जी प्रॉफिट में चल रहा हूँ, जितना मर्जी लॉस में चल रहा हूँ, मैं अपना सारा का सारा एग्जिट कर जाता हूँ, मुझे कैरी करना ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर मुझे ये लगा कि मैं सुबह उठ पाऊंगा नहीं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना जाए भाई। तो ना ऑप्शन बाइंग और ट्रेडिंग हो, थोड़ी सी ना हमें हमारी चीजों को माइंड में लाने की जरूरत है, हमें चीजें शॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अब फुल टाइम ट्रेड है कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो, आपके पास पैसा होगा, आपको घर वालों से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके घर वाले सपोर्ट करते होंगे, करो। बट दिक्कत वही है भाई साहब, लॉस में तो आप भी हो। अब ना ये दो पहले माइंडसेट वाले सोचेंगे भाई साहब चलो हमारी तो बात मानी, लेकिन आप लोग लॉस में कैसे हो? अब जरा उनको बताओ कि आप लोग लॉस में कैसे हो, मुझे तो मालूम है। खैर एनीवे, अब इन लॉसेस को हम रिकवर कैसे करें? दिक्कत तो वहां पर आ चुकी है, हमें तो ये लॉसेस रिकवर करने हैं। तो सिंपल सा एक प्रोसेस है, सबसे पहला तो क्लोज इट, ऑप्शन बाइंग बंद कर दो भाई। ये सिर्फ और सिर्फ पहले दो माइंडसेट वालों के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, और सेकंड होने वाला है हमारे जो काम करने वाले लोग हैं या वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। अब भाई साहब अगर आप लोगों ने ये चीज बंद कर दी तो आपके लॉसेस कैसे रिकवर होंगे? क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग का पैसा तो हमें ऑप्शन बाइंग ही रिकवर करके देगा। रील्स तो यही बताती है ना कि एक ही दिन में आप लोग कामयाब हो जाओगे और एक ही दिन में आपकी लंका भी लग जाएगी, वो नहीं बताता कोई, रियलिटी है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसे बंद कर दो। जो हुआ है ठीक है, चलो देर आए दुरुस्त आए, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, समझ गए हम बात। अब जा तो इसको बंद कर दो, नहीं फिर और ऑप्शन बाइंग करते रहो, और लॉसेस करते रहो, ये तो रिकवर नहीं होंगे एटलीस्ट जब तक आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। और आई थिंक तब तक तो आपको मार्केट ही ऐसी लात मार के बाहर निकालेगी, आप कभी मार्केट में आ ही नहीं पाओगे। अब आप खुद सोच लो आपको क्या करना है, आपको खुद से बाहर होना है या फिर आप चाहते हो कि आपको ऐसी लात पड़े कि फिर आप कभी स्टॉक मार्केट में आ ना पाओ। अब ये डिसीजन आपका है, मेरा काम था आपको समझाना, इसलिए मैं यहाँ पर किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली हम होता है कि हम जब भी कोई भी ऐसा ओकेजन आता है, चाहे न्यू ईयर का हो चाहे दिवाली का हो, हमारे पास कोई ना कोई टैक्टिकल स्ट्रेटेजी माइंड में आती है कि इस बार क्या स्ट्रेटेजी होगी। इस बार ये स्ट्रेटेजी है कि इस बार कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, हमें मार्केट से ही भाग जाना है। अरे भाई मार्केट से भाग गए तो पैसा कैसे रिकवर होगा? चलो वो भी रिकवर करेंगे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दो माइंडसेट यानी कि स्टूडेंट और काम वाले दोनों का तो मैंने काम बता दिया कि आप लोग निकलो, आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में कोई जगह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी है वो दूसरे पर्सन है जो काम करने वाले, उनके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए फिर भी नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट जब तक खुद से नहीं कमाता, खुद अपना करियर बना के जॉब नहीं करता, अपना बिजनेस नहीं करता, अपने पेरेंट्स के दम पर नहीं, अपने दम पर करो, बात खत्म। किसी के पैसे से पैसा बनाने में मजा नहीं है, जो पैसा अपने पैसे से बनाने में है। और बाय चांस किसी का पैसा उड़ गया है ना, तो वहां पर जो टेंशन होती है अलग ही लेवल की होती है। जब हमारा पैसा उड़ता है हम कैसे ना कैसे सबर कर लेते हैं, भाई जब दूसरों का पैसा उठता है ना, जब वो मांगने पे आता है तो टेंशन हो जाती है माइंड में, तो वहां पे दिल ना धड़क धड़क करने लग जाते हैं कि क्या क्या जवाब दूं इसको मैं। एनीवे सेकंड रिकवरी प्रोसेस देखो, ये पहला हमारा स्टेप था जिसमें रिकवरी नहीं थी, बट इससे हमारे ऑन गोइंग लॉसिस या कमिंग लॉसिस नहीं होंगे। बट सेकंड जो प्रोसेस है हमारा वो होगा हमारा रिकवरी प्रोसेस। अब वो क्या है? बूस्टर एसटीपी। अब ये बूस्टर एसटीपी क्या चीज है, मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये बूस्टर एसटीपी क्या चीज है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक टैग कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि वहां पर पूरे फैक्ट और फिगर एंड डाटा के साथ वो वीडियो बनाई गई है। बट मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर एक लमसम पे अमाउंट लगती है। जैसे कि मान लो कि हमने एक एफडी लगा करनी थी 1 लाख 2 लाख रुपए की, तो वो जनरली हमने यहाँ पर लगा देते हैं 1 साल, और जहां पर जनरली 4 to 5 years में हमारा पैसा डबल हो जाता है। वैसे जब से ये चीज आई है उसके 3 सालों बाद ही इसने पैसा डबल कर दिया था, इनफैक्ट 3 सालों से कम टाइम में भी। बट फिर भी हम सेफ्टी के लिए ले चलते हैं कि 4 से 5 साल हमारा पैसा डबल हो चुका है। अब जितने हमारे काम करने वाले भाई साहब हैं, लेट्स से कि 2 लाख का हुआ है, चलो 5 लाख का मान लो, 10 लाख का मान लो, वो आपको पता है कि आपकी फिगर्स क्या है, वो मुझे नहीं मालूम कि आपकी फिगर्स क्या है। एक एग्जाम्पल के साथ ले लो कि 2 लाख का लॉस हुआ है, भाई साहब आप अगर आप काम करने वाले लोग हो, आप क्या 2 लाख रुपया बूस्टर एसटीपी में नहीं लगा सकते?
जहां पर आपका वो 2 लाख तो रिकवर हो जाएगा। आई नो कि टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट वो 2 लाख रिकवर हो जाएगा। क्या और क्या ही पता कि आपको 2 लाख से ज्यादा का वहां पर बेनिफिट भी हो जाए। अब ये बात मैंने स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोली, उनके लिए बोल भी नहीं सकता मैं, क्योंकि उनके लिए इतनी अमाउंट लानी इट्स नॉट एन इजी, क्योंकि वो खुद नहीं कमाते और मैं नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स से मांगे। आप अपने पेरेंट्स को ये चीज समझा सकते हो, बूस्टर एसटीपी वाली वीडियो दिखा सकते हो उन्हें, जो मैं आई बटन में जहां पर टैग कर चुका हूँ, उन्हें वो दिखाकर अगर उनको वो चीज सही लगती है, अगर वो लगाना चाहते हैं, चाहे आपके नाम से क्यों ना लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो। इससे आपको भी टेंशन खत्म हो जाएगी। बट मैं ये नहीं चाहता कि आप झूठ बोलो घर वालों से, या अपने किसी दोस्त से उधारे लो रुपए, या कुछ भी ऐसा वैसा उल्टा सीधा काम करो, वो चीज नहीं करनी है। आप अपने पेरेंट्स को चीज समझा सकते हो, अगर वो समझते हैं और उनको अच्छी लगती है, वो फिर लगाना चाहे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर हमने एक एवरेज मान लिया कि 4 to 5 years में हमारा पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। देखो 100% हम किसी भी चीज में नहीं कह सकते, बट यहाँ पर 90% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमारा पैसा जहाँ पे डबल हो जाएगा। और मैं 100% यहाँ पर कभी भी नहीं कहूंगा किसी भी चीज को। इनफैक्ट अगर मैं 10 साल भी कह दू ना, या 1 साल भी कह दू, 1 साल में तो खैर प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, बट अगर मैं 10 साल में भी कहूँ ना, तब भी मैं 100% तो फिर भी नहीं कहूंगा, तब भी मैं वहां पर सेम ही प्रोबेबिलिटी रखूंगा 90% की। क्योंकि जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है, जब हम पैसा इन्वेस्टिंग की बात आती है, स्टॉक मार्केट की बात आती है, क्योंकि वहां पर हमारे लिए सबसे पहला डायलॉग ही यही आ जाता है, दीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो उस वजह से हम यहाँ पर कभी भी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते, बट जितनी मैक्स प्रोबेबिलिटी होती है वो मैंने आप लोगों को बता देगी और वो हमें 4 से 5 साल में मिल जाएगी। एनीवे एक तो रिकवरी प्रोसेस बता दिया, अब उसके बाद लास्ट जो हमारा रिकवरी प्रोसेस होने वाला है, फुल टाइम ट्रेडर की अभी बात नहीं करी है, जहाँ जिन्होंने ऑप्शन बाई करनी है उनकी बात ही नहीं करी है मैंने, वो तो अलग मैटर है, उनकी बात आएगी इसके बाद। तो यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट होने वाला है SI, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने एडिशन किया है इस पॉइंट में, क्योंकि सोल्यूशन तो मुझे सबको प्रोवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स बूस्टर एसटीपी तो लगा नहीं सकता, स्टूडेंट्स के पास तो इतना पैसा है नहीं है, तो फिर वो क्या करे, उसके पास है ऑप्शन SIP की। अब SIP क्या चीज है वो सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो फिर से आई बटन में लिंक टैग कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर हमें नहीं चाहिए भाई लाखों रुपया, हमें नहीं चाहिए 10-20 हजार रुपए भी, आपकी जितनी कैपेसिटी है। इनफैक्ट अगर आप 100 रुपीज भी लगा सकते हो ना, इन्वेस्ट कर सकते हो महीने के, आप स्टूडेंट हो, आप करो करो, सीरियसली करो, एज ए बड़ा भाई मान के बात मानो, एज ए छोटा भाई मान के बात मानो, एज ए दुश्मन समझ के बात मानो, एज ए दोस्त समझ के बात मानो, वो आपकी दिक्कत है, बट करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी करो। 2 साल करके देखो, 1-2 साल करके देखो, आपको खुद चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या चीज है। जो कर रहे हैं उनसे पूछ लो, उनका पोर्टफोलियो देख लो, मुझे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दूंगा म्यूचुअल फंड का, आपको चीजें क्लियरिटी डायरेक्शन मिलेगी क्या चीज है ये। क्योंकि जब चीजें हम देखते हैं तब हमें विश्वास आता है, बोलने से जो मर्जी बोलता रहे, मैं जहां पर बकवास कर रहा हूँ आप सुन रहे हो और गालियां दे रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी इस वीडियो से 1% भी सुधर गया ना, मेरे लिए वो काफी है। मैं ये समझूंगा कि मैंने किसी एक बंदे का घर लूटने से बचा लिया और मुझे उसकी दुआई काम में आ जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है। एनीवे 3 माइंडसेट की बात करिए, पहले स्टूडेंट्स की सोल्यूशन दे दिया, दूसरे हमारे काम करने वाले भाई साहब की सलूशन दे दिया। अब दिक्कत ये आ गई कि अब ये लोग करे कहाँ पर ये चीजें। भाई साहब अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप लोग हमें फोन कर सकते हो, आपको नंबर हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चलो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कभी भी आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, किस तरीके से आपका सारा लॉस रिकवर करना है उस तरीके से प्रॉपरली फाइनेंशियली कैलकुलेटर पर अमाउंट वगैरह कैलकुलेट करके आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब मर्जी मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी की पूरी सलूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। 9205073807 9205073807 हिंदी वाले हिंदी में समझ लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग मेरे अंडर ही आओ, भाई आप जिसके मर्जी अंडर जाओ, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में कोई, आप उनके अंडर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट करो, रियलिटी है करो, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में उतारो, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत चीजें काम में आने वाली है। एनीवे अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर,
फुल टाइम ट्रेडर्स की बात के लिए तो हमने सोल्यूशन दिया ही नहीं। जो असली हीरोज हैं इस स्टॉक मार्केट के और लॉस करके बैठे हुए हैं भाई, अब उनका लॉस कैसे रिकवर किया जाए। अब आप चाहे फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही करनी है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप काम करने वाले हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की जो चूल है वो नहीं मिटेगी भाई। मुझे मालूम है आप नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर अगर नहीं छोड़ सकते तो सोल्यूशन तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आपको देख ही जाऊंगा कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है ना, सबसे पहले तो उस प्रीमियम ग्रुप की कुछ फीस हुआ करती थी वो हमने बंद कर दी है। अब उसका रीजन भी क्या था, जब वो स्टूडेंट्स वाला सीन हुआ कि वो जब उसने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ मुझे ऐड कर दो डिस्काउंट वगैरह पे, तो मेरा वहां पर दिमाग खनक गया और मैंने वहां पर कुछ रूल चेंज किए। सबसे पहले तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप की फीस हटा दी, नया पॉइंट वहां पर ऐड कर दिया कि अगर आप SIP करोगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उसका रीजन था सिंपल सा, ताकि आप लोगों की एक जगह पर इन्वेस्टमेंट होती रहे, आप लोगों की एक जगह पर सेविंग होती रहे, आप लोगों की एक जगह पर इन्वेस्टमेंट ग्रुप होती रहे, ताकि अगर आपको जहां पर रूल फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास एट द एंड कुछ ना कुछ रुपया होगा जो आपको हिम्मत देगा, जो आपको हौसला देगा। तो ये मोटो था उस पॉइंट का। और दूसरी बात, उसमें एक चेंज किया गया कि हमने उस प्रीमियम ग्रुप में ये चीज डिस्कस कर दी कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप लोगों की कोई भी एंट्री नहीं है, मैं आप लोगों को कभी भी ऐड नहीं करूंगा। और अगर आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड होना है, देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग स्टूडेंट हो या आप काम करने वाले हो, मुझे उस बात का प्रूफ देना पड़ेगा आपको। वो आपकी दिक्कत है, कैसे देते हो कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं खुद का कमाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी हमारे रूल्स है तो वहां पर उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो वहां पर आपकी एडिशन होती है। ये हमने कुछ रूल चेंज किए, करने पड़े, टाइम को इसकी जरूरत थी। मुझे यहाँ पर रियलाइज हुआ कि ये चीजें करनी चाहिए, बिकॉज मेरा यहाँ पर मोटो पैसा क्या है, पैसा तो बनता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, बट कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे हमें लाइफ लॉन्ग में पछताना पड़े। हमने उन हादसों से बचना है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो, हमारी फैमिलीज को दिक्कत हो, हमारे फ्रेंड्स को दिक्कत हो, या हमारी सेहत पर कोई भी असर पड़े। तो उन सब की वजह से जो हमने रूल्स किए, खैर वो उसकी बात है, बट हमें कौन से रूल फॉलो करते हैं। तो वहां पर ना कुछ रूल्स है मेरे पर्सनली, तो वहां पर हमारा जो पहला रूल होता है, पहला रूल ये कहता है कि जब भी हम कोई भी एंट्री बनाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले चीज आ जाती है स्टॉप लॉस। सबको मालूम है स्टॉप लॉस, बट लेता कौन है भाई, नहीं लेंगे, उनसे लिया ही नहीं जाएगा। क्योंकि जब भी मैं वहां पर कोई भी ट्रेड डालता हूँ अपनी पर्सनली, तो मैं वहां पर सीधा स्टॉप लॉस होता है मेरा 25 से 30 पॉइंट का मैक्सिमम, जो हमारा BNF में होता है, बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी में तो 10 to 15 पॉइंट्स का होता है, बट मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट्स का किसी भी नोट में हो जाता है। तो वहां पर अब उसको स्टॉप लॉस को लिया कैसे जाए, दिक्कत तो ये आ गई। ऐसे में वो हमारे बाइंग पॉइंट से 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, हम वहां पर जाकर एग्जिट हो जाते हैं। जो लॉस हमें एक लोट में BNF के मैक्सिमम 500 रुपीज का होना चाहिए था किसी भी हालत में, वहां पर हमने उस लॉस को एटलीस्ट 1000 2000 तक पहुंचा दिया। अब बताओ भाई क्या किया जाए। तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन ये है, आपने जैसी पोजीशन बनाई है जैसे मर्जी करो, आपको वहां पर स्टॉप लॉस पंच करना पड़ेगा अपना, और वो पंच कर दो। आई नो काफी बार आपका स्टॉप लॉस हिट होके ऊपर को आ जाएगी मार्केट, बट एक दो बार ही ऐसा होगा जब आपकी पूरी की पूरी कैपिटल इरोड होने से बच जाएगी, और जब वो बचेगी ना, बस वही चीज हमें बचानी है। बस इस पॉइंट से बचने के लिए हमारे पास यही सोल्यूशन है कि अपना SL साथ के साथ पंच कर दो अपनी ट्रेड में, फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आप स्टॉप लॉस नहीं ले पा रहे हो। मेरा हमेशा यही रूल रहता है, मैंने ट्रेड ली और मैंने वहां पर अपना स्टॉप लॉस पंच कर दिया, मुझे मतलब नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, उसके बाद 100 पॉइंट भागी, 200 पॉइंट भागी, भाग जाने दे, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं एग्जिट हो चुका हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, कोई और ट्रेड में सही। ये हमारे जनरल रूल्स है जिसमें से हमारे पास सबसे पहला रूल ये आ जाता है। सेकंड रूल क्या आता है कि वहां पर हम टारगेट देते हैं। अब टारगेट भी जैसे कि पहला 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 25-30 पॉइंट का टारगेट है, उसके बाद हमारा 50 से 60 पॉइंट का टारगेट आ जाता है, फिर हमारा 100 पॉइंट का, तीन टारगेट होते हैं। अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है वहां पे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने रूल्स ना अपने अकॉर्डिंग खुद बना सकते हो, एटलीस्ट आपको अपना माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से रूल्स बनाने हैं। मैं जहाँ पर सोल्यूशन इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, एनीवे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला टारगेट है 25 से 30 पॉइंट का, जब ये हिट होता है ना, हमारा ऑटोमेटिकली रूल आ जाता है कि 50% क्वांटिटी को इमीडिएट निकाल दो।
अगर मान लो हमने 10 लोट लिए, अब हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी से लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी दिक्कत, वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। हमने 10 लोट लिए, जहां पर पहला टारगेट हिट हुआ, 5 लोट निकाल दिए भाई, बात खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही सेकंड टारगेट पर हिट हुआ भाई साहब, 5 लोट रह गए, हाफ और बुक कर दो, 3 लोट जहां पर और बुक कर दिए, 8 लोट बुक हो चुके हैं। अब जो 2 लोट रह गए उस पर कॉस्ट प्राइस का प्राइस ट्रेल कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 लोट फ्री में निकल जाएंगे कि हमें कुछ भी नहीं बना, यही बात है। चलो अब उस 2 लोट को हम थर्ड टारगेट पे भी बुक नहीं करते हैं, जहां अगर हिट हो गया तो हम 1 लोट बुक कर लेंगे, मतलब फिर से आधी क्वांटिटी बुक कर ली, और बाकी एक को ना हम इसके पॉइंट पर ट्रेल कर देते हैं, या फिर इसको ट्रेल करने लग जाते, 120 पे पहुंचा तो हमने 110 पे ट्रेल कर दिया, 140 पर पहुंचा तो 130 पर ट्रेल कर दिया, ऐसे ट्रेल करते रहते हैं चीजों को, ये हमारा प्रोसेस होता है जनरली। और मैं अपने इस रूल्स के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। खैर इसमें से मेन पॉइंट तो हमारा पहला एसएल, प्रॉफिट अगर हम मिस भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट हमारा एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, मैं जहां पर चीजों को इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाकर अपनी डायरी में लिख सकते हो, अपने कागजों में लिख सकते हो, और लिखिएगा भी, काम में आएगा। थर्ड रूल हमारा जो आ जाता है मेन, अगर आप लोग हमारा डेली का शो मार्केट का पैच पर ब्रेकअप देखते हो तो वहां पर मैं आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप खोल कर दिखाता हूँ कि हमने आज के दिन 3 ट्रेड्स करी। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा दिन होता है कि एक ही ट्रेड करते हैं या 2 ट्रेड करते हैं, और मैक्स टू मैक्स कितनी ट्रेड जाती है, 5। भाई इससे ज्यादा हमें करते ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, हमारा इन 3 से 5 ट्रेडों में हमारा काम इतना अच्छा हो चुका है, हमें जरूरत थी कि अगर हम 1 लोट पर भी काम करें तो ओवरऑल में हमने 1 लोट पर 1000 रुपीज का अगर प्रॉफिट कर लिया, सिंगल लोट पर मैं कह रहा हूँ बीएनएफ के, तो भाई साहब 2-3 ट्रेड में हमारा इतना प्रॉफिट हो चुका है, तो हमें करने की जरूरत ही क्या, और मोस्टली तो एक ही ट्रेड में इससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर हमें जरूरत ही क्या इन चीजों को करने की। फिर हमें जब अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो फिर हमें उन 3 ट्रेड को 30 ट्रेड बनाने की जरूरत है, जब 30 से हम उसको 50 ट्रेड तक लेके जाना चाहिए, 50 से 100 ट्रेड तक लेके जाना चाहिए, ये चीज होती है ओवर ट्रेडिंग, और इसी की वजह से जो फुल टाइम ट्रेडर है ना वो जहां पर लॉस करके बैठता है, यही एक मेन रीजन है उसका, और उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा खासा प्रॉफिट करता है, वो स्टार्टिंग में आएगा 2-3 ट्रेड में काफी हजारों का, 5000, 10000, 20000 तक का प्रॉफिट करके बैठ जाएगा, और एट द एंड लॉस में चला जाएगा, वही उल्टा 20000 लॉस में चला गया 20000 के प्रॉफिट से, मतलब कि उस दिन उसने 40000 का कुंडा करा लिया सिर्फ इस ओवर ट्रेडिंग की वजह से। जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है और आपको कोई सेटअप नहीं बना, तो आपके अंदर जो चुल है ना, इस चुल को मिटाना पड़ेगा, ऑप्शन बाइंग की को, इस ट्रेडिंग की चुल को मिटाना पड़ेगा, पर वो ऐसे नहीं मिटेगी। अब उसका सोल्यूशन भी दो सर, कैसे मिटेगी फिर, हमें तो सोल्यूशन चाहिए, अब आपने इतनी मेहनत कर दी हर चीज का सोल्यूशन दे दिया, तो इसका भी सोल्यूशन दे दो, अब इसका क्या सोल्यूशन हो गया, इसका सोल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, दिमाग लगाया जाए दिमाग लगाया जाए, सोचा जाए सोचा जाए सोचा जाए। चलो दो सोल्यूशन देता हूँ, अरे यार क्या बात कर दी, यहाँ पर तो एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप दो दो दे रहे हो, दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, एक सोल्यूशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और एक सोल्यूशन में आपको मजा आएगा। पहला सोल्यूशन तो ये है, आप स्क्रीन बंद करो, मार्केट मत देखो, बात खत्म हो, लेकिन ये तो सोल्यूशन ही नहीं है सर, ये तो होगा नहीं, बहुत मुश्किल है, हमारा तो माइंड वहीं पे घूमेगा, ये माइंड बड़ी गंदी चीज है, हमें पता है अभी 3:30 नहीं बजे हैं, हमें पता है अभी मार्केट बंद नहीं हुई है, हमें पता है जहाँ पे 2 से 3 बजे के बीच हीरो जीरो का मौका मिल सकता है, तो हम इसको कैसे बंद कर दें सर, बात तो सही है, अब ये सोल्यूशन तो काम कर नहीं रहा है, फिर तो दूसरा सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन, चलो 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 सेकंड सोल्यूशन पर आते हैं, आपको क्या पसंद है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे ये चीज करनी सबसे ज्यादा पसंद है स्टॉक मार्केट के अलावा, क्योंकि लाइफ में सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ मुझे क्या चीज पसंद है, मुझे पसंद है, अरे क्या बात कर रहे हो सर, आप तो पबजी वाले निकल लिए, एक मैच हमारे साथ भी लगा लो ना, जरूर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पसंद है ये। अब आप एक चीज बता दो, जिनको भी खैर ये चीज पसंद है पबजी हमारी, जब वो पबजी खेलने लगते हैं तो क्या उन्हें टाइम का पता लगता है भाई, कब आधा घंटा निकल गया, कब 1 घंटा निकल गया, कब 4 घंटे निकल गए, और इतने में तो मार्केट बंद हो जाएगी भैया, सोल्यूशन मिल गया, अब इससे बड़ा सोल्यूशन क्या दूं मैं आपको,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप पबजी खेलो, कोई पबजी की प्रमोशन नहीं कर रहा, कहीं आप लोग मुझ पर केस ठोक दो भैया। जहां पर सिर्फ मैं आपको माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ, मुझे पबजी पसंद है, मैं पबजी खेलने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा मार्केट से ध्यान हट जाता है और मैं वहां पर आराम से अपना जितना ही प्रॉफिट किया वो लेके चला जाता हूँ। नेक्स्ट डे की नेक्स्ट डे देखेंगे। अब आपको पबजी नहीं पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आप घूमने जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, फोन को घर छोड़ जाओ। हाँ, फोन को घर छोड़ जाओ, फोन की तरफ मत देखना। आपकी बंदी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, मतलब कि हमारी भाभी हुई, या फिर आप गर्ल हो और आपका बॉयफ्रेंड है, तो आप उनसे बात करो। अरे उनको टाइम दो, एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका, अच्छा मूड है, तो घूमो फिरो, मजे करो, बातें करो, और क्या चाहिए। आप थोड़े से सीरियस टाइप के पर्सन हो कि आपको जिन मौज मस्ती से मतलब नहीं है, आपको लाइफ में सीरियस रहना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। उससे अच्छा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे, वो भी मार्केट टाइम में। वीडियो लंबी हो रही है सर, लेकिन सोल्यूशन हर चीज का दे रहा हूँ। अभी एक पॉइंट रहता है लास्ट, वैसे तो क्योंकि इसमें हम रूल्स कितने मर्जी कर लो, बट एक फाइनल पॉइंट तो मैं बता कर जाऊंगा, क्योंकि उसके बिना ये सारे पॉइंट्स बेकार हैं। एनीवे, सॉल्यूशन बता दिया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो मार्केट से कैसे बचना और आपको सोसी से कैसे बचना है। अब फाइनल पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक हमारे जो हमारा इसमें फोर्थ रूल होने वाला है, लास्ट रूल है। रूल्स तो क्योंकि आप जितने मर्जी बना लो, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो होने चाहिए, बट उनके सोल्यूशन भी चाहिए हमें, वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारा जो फाइनल रूल है, अब मान लो हमने एक ट्रेड ली, चलो दो ले ली, मैक्स थ्री ले ली। अब हमारी इतनी ज्यादा किस्मत खराब है उस दिन कि हमारा पहली ट्रेड में भी एसएल हिट हुआ, सेकंड में भी एसएल हिट हुआ, थर्ड में भी एसएल हिट हुआ। मान लो कि हमने 25 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लिया, चलो यहां पर ना हम एक चीज और लेके चलते हैं, फोर्थ में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वैसे इतनी ज्यादा हम ट्रेड्स लेते नहीं है, चलो मान लो कि हमारा फोर्थ में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 25 पॉइंट्स का हर ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस था, तो हमारा 100 पॉइंट्स का मैक्स टू मैक्स लॉस हुआ। अब हमारा एक लॉट के ऊपर बीएनएफ के 1500 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको फिगर्स के साथ भी बात करूंगा। अब हमने मान लो कि यहाँ पर 10 लॉट के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई एक लॉट से तो काम करता नहीं है, हमने ऑन एन एवरेज मान लिया 10 लॉट। आप 2 लॉट से काम कर सकते हो, आप 3 लॉट से कर सकते हो, वो आपको पता है आप कितनी क्वांटिटी के साथ काम करते हो। तो यहाँ पर हमारा जो लॉस हुआ वो हुआ 15,000। अब कोई पर्सन यहाँ पर 10 लॉट से काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसके पास अच्छी खासी अमाउंट है, अप्रोक्स 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, इतनी अमाउंट है। अब कहाँ पर उसका दिमाग तो घूम गया, भाई 15,000 का लॉस हो गया मेरा तो, यार लग गई लंका, अब क्या करें, अब तो मुझे ये कम से कम लॉस तो रिकवर करना है भाई, एटलीस्ट कम तो करूं। बस वो हो जाती है गलती, जिस दिन हमने ये चीज सोच ली कि हमने इस 15,000 के लॉस को आज के दिन ही रिकवर करना है, भाई नहीं चल रहा है आपका। उस दिन चार ट्रेड्स में लॉस करके बैठ चुके हो, छोड़ो उस दिन को, नेक्स्ट डे पर देखेंगे। यहां पर तो इनफैक्ट जीरोधा वालों ने ऑप्शन भी दे रखी है क्लीन स्विच की, कि अगर आपको लगेगी आपका काम हो चुका है एक दिन का और आपको उसके बाद ट्रेड नहीं करनी है, आप यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगा लो, उस दिन ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। एनीवे, इस ऑप्शन को छोड़ो, बट पॉइंट इज दैट जब हमें चार ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जल्दी हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसमें इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जब मैं नहीं कहता कि आप ज्वाइन करो उसे, क्योंकि वहां पर ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, शायद वो आप करना पाओ, अगर आप वो करते तभी आप ज्वाइन हो पाओगे, उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे वहां पर ज्वाइन, सीरियसली कह रहा हूँ। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, अगर आपको ज्वाइन भी करना है, तो एक बार ना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहां से मैसेज भी कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहां पर आपको डायरेक्ट मेरा लिंक मिल जाएगा, आप उससे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, उसके बाद हमारी जो भी बात होगी उसके बेसिस पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, अगर मुझे लगा कि आप सीरियसली जेन्युइन हो और हमारे रूल्स को फॉलो कर सकते हो। एनीवे, वो सब चीजें छोड़ो जो चीजें मेरे मतलब की नहीं है, मेरा मतलब है जहां पर आपको ये समझाना, जल्दी जब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर बाय चांस हमारा दिन खराब होना, क्योंकि देखो हम हर कोई भगवान नहीं है, मेरे भी जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, इनफैक्ट इस फ्राइडे ही लगा लो जो इस साल का लास्ट वर्किंग डे था 2023 का, तो वहां पर हमारी 5 ट्रेड डली थी जिनमें से हमारा 2 में हो चुका था स्टॉप लॉस हिट, और इनफैक्ट जो हमारी 2 ट्रेड थी उसमें इतना मेजर प्रॉफिट भी नहीं हुआ था, एक ट्रेड में हुआ ठीक ठाक प्रॉफिट, बट इन 2 ट्रेड में इतना मेजर प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई 30-40 पॉइंट का, मतलब कि मजा नहीं आया था उस दिन। तो ना वहां पर जैसे ही सेकंड स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने उस दिन के लिए ग्रुप में कह दिया था कि अब कोई ट्रेड नहीं होगी, चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले,
अब मैं आज के दिन कोई भी काम और नहीं कर रहा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको चार ट्रेन पर लेकर गया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब आपको रुकना कहाँ है? आपको रुकना है दो ट्रेड्स में बस। अगर आप चीज को फॉलो कर लेते हो कि अगर मेरे किसी भी टाइम पे दो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उस दिन के, मैं उस दिन और काम नहीं करूंगा, बस काम हो चुका है आपका, कर लो जितनी मर्जी ऑप्शन भाई, डेली मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने सीरियसली इन चीजों को फॉलो कर लिया ना सभी पॉइंट्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं को करो, आप इसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाओ, बट उन रूल्स को ना फॉलो करने की हिम्मत करो। हमारे प्रभु श्री राम जी, हम उन्हें पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं। अब दिक्कत क्या है, हर कोई श्री राम जैसा बनना चाहता है, बट रियलिटी में इस दुनिया में कोई भी आज के टाइम पर ऐसा पर्सन नहीं है जो उनके जैसा, तो क्या जो उनका नाम लेना भी शायद डिजर्व ना करता हो, क्योंकि उनका नाम लेने के लिए भी हमें दिल से बिल्कुल साफ होना पड़ेगा। हमारे अंदर जो क्रोध, मोह, माया, गुस्सा, प्यार, जो ये वासना, ये सभी पॉइंट्स को ना अगर हम जिस दिन निकाल देंगे, तो शायद हम उस दिन उनका नाम सही मायने से अपने दिल से ले पाएंगे, और वहां पर हमारे प्रभु श्री राम जी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो नियम थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो रूल्स थे ना, वो उनको फॉलो करते थे, और उन रूल्स को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। रावण था, ज्ञानी था, महाज्ञानी, उससे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञानी पर्सन ही नहीं है। दुनिया का सबसे महान ज्ञानी आज तक का जो पंडित है वो हमारे रावण जी हैं, लेकिन क्या लेके बैठ गया उनको, ईगो, अहंकार, और यही स्टॉक मार्केट में आप लोगों का हाल है। लॉस हो गया, ईगो आ गई, हमें तो कवर करना है भाई, कर लो फिर कवर। कवर का तो पता नहीं आपके उस दिन, लेकिन बस समझदार को इशारा ही काफी है। एनीवे मैंने यहाँ पर चीजें बहुत आउट ऑफ द माइंड लेके जाकर, बहुत क्लियरिटी के साथ हर चीज को प्रॉपरली सॉल्यूशन देकर, र्यूडली होकर भी, क्योंकि एज ए मैंने आपको यहाँ पर छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, दुश्मन समझ लो, मैंने चीजों को इस तरीके से भी पेश किया, क्योंकि जब मेरे दोस्त मुझसे आकर पूछते हैं ना, तो मैं उनके साथ ऐसे ही बात करता हूँ, और ऐसी बात इसलिए की है, ऐसे थोड़ा सा र्यूड होकर जब मैंने ऐसे बोला, तो उन सभी के लिए माफी चाहता हूँ अगर आपको कोई चीज दिल से बुरी लगी हो। बट जब सामने वाले के कान खोलने हो ना, उन्हें चीजें सही में अंदर डालनी हो, तो हर चीज प्यार से नहीं जाती है। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा जहां पर मैंने इस तरीके से वीडियो को बनाया, और इस तरीके से एंड बिहेविंग हेयर अनलाइक ए प्रोफेशनल इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल, बिकॉज जहां पर मैंने आप लोगों को ये चीजें समझकर समझाई है कि मैं आप लोगों का जहां पर छोटा भाई बड़ा भाई हूँ, कि आप लोग इन गलतियों से सुधरो। अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली एज ए टीचर समझाऊं, या कैसे मर्जी समझाऊं, एज ए सर समझाऊं, आप नहीं सुनेंगे यार, मुझे पता है। हम एक कान से निकालते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, हम ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। अब इन चीजों को कंट्रोल करना या ना करना वो आपके हाथ में, बट मैंने जितनी क्लियरिटी के साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, आई थिंक मैंने अपनी जान, जिगर, अपना दिल, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया इस टाइम इस वीडियो में, पूरा का पूरा। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, जब ये वीडियो एडिट होकर डलेगी तब मुझे पता लगेगा, अरे बाप रे, ये वीडियो इतनी लंबी बन गई। और मुझे सीरियसली अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर काफी पॉइंट्स को मिस कर रहा हूँ भाई, मुझे वो भी बताने चाहिए, बट फिर वो चीजें बोरिंग हो जाती हैं हद से ज्यादा। बट अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा सेकंड पार्ट आए, और कुछ और नए रूल्स, कुछ और ऐसी ट्रिक्स हमें बताई जाए, तो बेशक कमेंट करिएगा, बट शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जहाँ पर हमने कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं करी है, किसी चीज की प्रमोशन की बात नहीं करी है भाई, सीरियसली आपके इश्यूज की बात करी है, और सीरियसली आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हो, इससे बेस्ट सॉल्यूशन मैं शायद आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जहां पर जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है वो जीरो नहीं होता, बट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी होने के बहुत कम कम चांसेस है, कि अगर बाय चांस ही पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो गई, या फिर कोई ऐसा सीन हो गया कि किसी ने हमारे ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, तो ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसी चीजें हो जाए वो अनप्रडिक्टेबल है, उन चीजों का हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उन चीजों को हम कभी भी लेके नहीं चलेंगे किसी भी चीज में, उन चीजों को हम काउंट नहीं करते हैं। बट अब वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे अब और कुछ नहीं कहना। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर हर महादेव।